हमें लेने आने वाले कब तक यहाँ पहुँचेंगे इंद्र यास? जो खबर एलची ने हमारे तक पहुँचाई है उसके मुताबिक तैकफूर के लोग उस मुकाम पर पहुँच चुके होंगे। गौर से सुन लो, हाकिम रोगा तो उसके हुक्म के मुताबिक पादरी ग्रेगोर को वापस लेकर हम यहाँ से वापस कले जाएंगे। सिपाहियों, अगर अल्लाह ने चाहा तो शाहीन की तरह झपट कर तूफान से पहले की खामोशी की तरह पादरी ग्रेगोर को लेकर अपनी सरहदों में वापस चले जाएंगे। ऐसा ही होगा बिल्कुल इंशाल्लाह मेरे हुजूर। जनाब वो वहां हैं वो लोग। मेरे फादर ग्रेगो मुझे आपको लेने के लिए भेजा है बेल्जिक कले के हाकिम रोगातुस लास्कर्स ने। बेहतरीन, बहुत खूब, मेरा दोस्त रोगातुस। हाकिम के मुखलिस सिपाहियों को भी आपका बेसब्री से इंतजार है। आइए तशरीफ लाइए, देख के खुदावन तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। हुजूर, आ जाओ, आइए आइए। आप भी आइए। शहीर रुकना बेहतर होगा, वो कब हमारे पंजों में आकर फंसते हैं देखते हैं। भाई सुंगुर, हुजूर, क्या जिम्मेदारी से तो वाकिफ हो ना? बिल्कुल वाकिफ हूं। शाबाश। बात सुनो मेरी। हाँ। कहाँ जा रहे हो? थियोडोर और वफादार सिपाही कहाँ और किस मुकाम पर है मुझे बताओ। वो हमारा किनारे पर इंतजार कर रहे हैं। हैरत की बात है,
उन्हें तो शातलगा के पास इंतजार करना चाहिए था। तुम्हें ठीक से पता तो है ना? हमारा बादशाह के पंजों से फरार होने की कोशिश करते हुए मिखाइल कोसिस के अकरबा का कातिल, या फिर मुझे एनागोल की किलादार ने खुला कहना चाहिए। तलाशी लो इसकी। तुम तुर्क हो, अब तुम पानी की तह में गर्क हो जाओ। जहन्नुम में खूब खाना पीना। वो इस तरफ से नहीं, दूसरी तरफ से जा रहे हैं। जहर कोता है, उस पर हमला हुआ है। आ जाओ। या यो हो जाओ, आगे बढ़ो, किसी को नहीं छोड़ना। पादरी को लो और बाकियों को मार डालो। याद रहे, हमें पादरी को जिंदा लेकर जाना है। लानत हो इन पर, ये लोग कहां से आ टपके। किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना। Ah!
हमें तो सिर्फ रुगातुस के पास जाना था। आपका क्या ख्याल है कि इसके पीछे बादशाह तो नहीं? पता नहीं इंद्रियास। पादरीगिरी को
वाह पागल आदमी, सबको मार दिया, पादरी नजर नहीं आ रहा। ये भी मुझे बताना होगा दीको, मैं इन्हें अकेले संभाल लेता, लेकिन पादरी को सिर्फ तुम्हें हासिल करना था। पादरी ग्रेगोर, अब से आप काई सरदार अर्तुरुल गाजी के जानशीन उस्मान की हिफाजत में रहेंगे। तुम्हारा नाम सुन चुका हूं। बच्चों और औरतों पर ढाए गए जुल्म के खिलाफ तमाम मशरकी कलीसाओं को आपको बद्दुआ देने का कह चुका हूं उस्मान साहब। फिर तो जिंदा रहने का मौका जरूर दिया जाएगा पादरी साहब, दुआओं की कबूलियत देखने के लिए। मुझे कत्ल करना है तो कर दो, मैं तुमसे नहीं डरता और ना ही मौत से डरता हूं। बहुत आला, मौत तो वैसे ही बरहक है और हम सबकी जान अल्लाह की अमानत है। सिपाहियों, कबीले के लिए खुफिया रास्ता अख्तियार किया जाए। जैसा आप कहें हुजूर। जो हुक्म आपका। दरअसल मुझे देबाज नामी कपड़ा बहुत पसंद है सिलास, और उस पर सोने का काम किया जाए। ज्यादा लंबा ना हो, बस मुनासिब हो, और उसके ऊपर शाहीन की चोंच बनी हो। नहीं रुको, बल्कि दो शाहीन हो जो एक दूसरे को देख रहे होंगे। कितने बेहतरीन अंदाज में इजहार फरमाया, आप फिक्र मत कीजिए जनाब,
जब वो कपड़ा आप पहनेंगे तो आपको पसंद आएगा। तुम जानते हो सिलास कि मैं हमेशा अच्छे दर्जियों का एहतराम करता हूं। बहुत महारत वाला काम है, बहुत। मगर बड़े अफसोस की बात है कि कोई भी यहां इस काबिलियत को नहीं समझता। जनाब बाहर जाइए, बाहर जाइए, बाहर। तेओदोर, क्या हो गया है तुम्हें? और पादरी कहां है? पादरी ग्रेगोर कहां है? नहीं जानता मैं, हम नहीं ला पाए। हाँ, नहीं ला पाए। बाकी सिपाही कहां है? क्या कोई सिपाही बचा भी है कि नहीं? थियोदोर, मुझे बताओ वहां क्या हुआ है। कैथोलिक्स, ये सब कुछ कैथोलिक्स ने किया। लानत हो उन जंगली लोगों पर। वो कैथलोनिया वाले गिरगोर को किसके लिए अगवा कर सकते हैं? लगता है वो सालों से इसी लम्हे के मुंतजर थे। मेरे पास ना तजर्बाकार नौजवान नहीं थे। हम डरे नहीं, कोई भी नहीं डरा, मगर फिर भी। अपना मुंह बंद करो और खामोश हो जाओ। कैथलोनिया वाले ऑर्थोडॉक्स के सबसे अहम इंसान को अपने साथ ले गए। मेरा एक ही करीबी दोस्त है वो। अब पादरी ग्रेगोर को कैथलोनिया वाले अपने साथ ले गए और तुम कहानी सुना रहे हो। ग्रेगोर को कोई और लेके आए। लानत हो तुम पर, लानत। दूसरे लोग भी मौजूद थे, बतीनिया के लोग। कैथलोनिया वालों से लड़ाई के दौरान कोई तीसरा पादरी ग्रेगोर को अपने साथ उठाकर ले गया, वो कोसिस। अगर पादरी ग्रेगोर कोसिस के पास है तो कैथलोनिया वाले किसके लिए काम कर रहे होंगे? बादशाह के लिए? निकोला की दावत में कोसिस से उगलवाऊंगा मैं। क्या हो रहा है नेस्तोर, ये हलचल कैसी है? जनाब, आपकी बहन मारी कुस्तुंतुनिया से रवाना हो चुकी हैं। लाजवाब, ये होती है बेहतरीन खबर। बाहर जाओ। मुझे उस घटिया इंसान असलमो के बारे में बताओ, कहां है वो अब तक? जनाब, कैथलिक सरबरा असलमो आपसे मिलना चाहते हैं। ये महक जंग में शिकस्त खाने वालों की होती है असलमो। ये बू वादा पूरा ना करने वाले नाकाम सिपाहियों की लाशों की बू है। इस बू को महसूस करो। आप भी जानते हैं कि जंग में फतह दुरुस्त मालूमात की बिना पर ही हासिल की जाती है। हमें गलत मालूमात दी गई थी। हमारे अलावा वहां पादरी को लेने के लिए पूरा बितिनिया पहुंचा हुआ था। पादरी हमारे यहां से निकल गया है।
हमें गलत मालूमात दी गई। पूरा बितेनिया वहां पहुंचा हुआ था। मुझे किससे मत सुनाओ असलमो। हमने मुआहदा किया था एक पादरी ग्रेगोर को मेरे पास लाने के बदले सोना देने का वादा था, और कुछ दे भी चुका हूं। हमें नुकसान पहुंचा तो तुम्हारा भी नुकसान। अब फैसला तुम्हें करना पड़ेगा। असल मुखसारे में नहीं रहता। कतालोनिया से यहां खसारा हासिल करने नहीं आया मैं। ग्रेगोर को जिसने भी उठाया है मैं उसे तलाश करके आपके पास ले आऊंगा, और बदले में अपनी मर्जी की मिकदार हासिल करूंगा। तो फिर मैं भी जुबान देता हूं तुम्हें। पादरी को ले आओ और ले जाओ सोना। तुम तो ये भी नहीं जानते किसके कब्जे में है वो। हर जगह अपने आदमी रवाना कर देते हैं। हर जगह सोच कर बोला करो। आज शाम निकोला की दावत में जा रहा हूं। मैं ये देखना चाहता हूं खुद को हमारा दोस्त कहने वाले तैकफूरों की आंखें क्या कहती हैं। जाने की तैयारी करो नेस्तोर। और तुम असलमो, कतालोनिया में छोड़ी गई अपनी अकल और अपनी रूह जो वहीं छोड़ा है उसे यहां लाओ, वरना तुम अपने वतन बिल्कुल खाली हाथ जाओगे। शिकस्त खुर्दा लोग खसारा पाते। आप सबका शुक्रिया ख्वातीन। आटे की तरह सफेद दाढ़ी होने जितनी तवील उम्र पाएगा इंशाल्लाह। आमीन। शहद की तरह मीठी जबान वाला होगा। आमीन। गंदुम में बरकत होती है, खुदा हमेशा बरकतें उसके साथ रखे। आमीन। नमक की तरह साफ सुथरी जिंदगी गुजरे इंशाल्लाह। आमीन। सलामत रहे सलजान खातून। चार चांद लगा दिया आपने आकर हमारी खुशियों को। शुक्रिया बेटी। मलून खातून ने दुरुस्त कहा अम्मा, आप कबीले में खुशियां लाई है। प्यारी बेटी, हसरत बड़ी भारी चीज है। पता है मैं तुम सब लोगों के लिए उदास थी। आइए खवातीन, आइए, ये रखो, सलामत रहो। लीजिए, नोश फरमाइए मोहतरमा। बाला, ठीक तो हो ना? पता नहीं, लेकिन न जाने क्यों मतली हो रही है गुंजा। ये पी लो। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें लंबी बरकत वाली और आला जिंदगी नसीब फरमाएगा इंशाल्लाह, और खूब फलोगे फूलोगे बेटा। माँ बाप तुम्हारी खुशियां देखेंगे। रब ताला तुम्हारी हर किस्म के शर से हिफाजत फरमाए, और अपने अजदाद की लायक फाइक औलाद बनोगे इंशाल्लाह। आमीन। सलजान दादी तुम पर कुर्बान जाए मेरे बच्चे। आह मेरे प्यारे पोते। बाला खातून, आप बेहतर महसूस करेंगी, ये लीजिए। खैर तो है बेटी, क्या हुआ? ठीक हूँ अम्मा, ठीक हूँ। मलहून बेटी, तुम्हारा शुक्रिया गुपचे। बाला चलो चहलकदमी करके आते हैं, अच्छा लगेगा। इजाजत है मुझे? इजाजत है बेटी, जरूर जाओ। आयशा बेटी ढांपो इसे, ढांपो। आयशा
हमारी ये बच्ची कौन है? पहली बार नजर आई है। ये गोगचे है अम्मी जान, आला जा की गैर मौजूदगी में मेरी खिदमतगार बनकर आई है ये। हाँ अच्छी बात है, काफी समझदार लग रही है। बाला, ये क्या करने जा रही थी? अगर कुछ हो जाता तो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इस हालत में नहीं पी सकता? पता नहीं कैसे मुझे याद नहीं रहा बिल्कुल भी। देखो मेरी जान, एहतियात करनी होगी, समझ गई ना? कैसा महसूस कर रही हो बताओ मुझे, ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, अब बेहतर हूँ गुंजा। कहा ना, सदा ठीक रहो, अपना ख्याल रखो, क्योंकि तुम सेहतमंद तो बच्चा सेहतमंद। खाला की जान होगा ये। चलो बड़े महाज में दाखिल हो रहे हो। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आज तक की लड़ाइयों में ये सबसे बड़ा शिकार होगा। मुसलमानों के खिलाफ लगाई गई आग किसी वक्त भी सौत को अपने घेरे में ले सकती है। क्या इतनी बड़ी लड़ाई का बोझ उठाने के लिए आप तैयार हैं उस्मान साहब? अनातोलिया पर अगर नजर डालें, तुर्क आपस में ही इंतजार का शिकार है। आलम इस्लाम फिरकों में बढ़कर एक दूसरे की जान के दरपे है। सबब बनने वालों को मैं भी किसी सूरत मुत्तहिद हरगिज नहीं होने दूंगा। वो भी बिखर कर रहेंगे, कभी एक ना हो पाएंगे। हमें तोड़कर अपने ख्वाबों को ताबीर नहीं कर सकेंगे। वो भी बेचैन रहेंगे, रातों में नहीं सो सकेंगे। उन लोगों को हर मासूम के खून के एक कतरे का जरूर हिसाब देना पड़ेगा। बस सब उन्हीं का इंतजार है मुझे। उनकी लाशों से पानी के कुएं भर दिए जाएंगे। शेख मोहतरम, पहले पादरी ग्रेगोर को एतमाद में लेना होगा हमें, उसके बाद वो ईमान से भटके हुए लोग भी देख लेंगे। आजादी पादरी के हाथ में नहीं, इंसाफ का परचम लहराने वाले उस्मान के हाथ में है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बहादुर उस्मान, आपकी तलवार दोधारी और दिल मजबूत हो। जब तक आपका दिलो दिमाग और कल्ब इसी तरह रोशन रहेगा, अल्लाह के हुक्म से बेशुमार दुश्मनों के सर झुकते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह शेर, जर को तो आसानी से नहीं मिलेगा। आशिक कभी नहीं मरते, नहीं मरते आशिक कभी। सच्चे इश्क वाले हमेशा जिंदा रहते हैं। ये सब तुम्हारे इश्क का कमाल है। फजूल बातें मत करो, तुम वापस अपने लिए आए हो। ठीक होने का ये मतलब नहीं कि तुम खाना पीना छोड़ दो। अब तुम्हें जड़ी बूटियों को मुसलसल उबाल कर पीते रहना होगा। शुक्रिया कुमराल अब्दाल। माशाल्लाह, पहले तुम अपनी बातों से दिलों को शिफा याब करते थे और अब इन माहिर हाथों से दवाई भी देने लगे हो। खामोश, कौन सी महारत देख ली तुमने मुझ में? हाँ, दोबारा ऐसी बात कभी मुझसे मत करना। या मेरे खुदा, सारे ताजिर अकलमंद होते हैं। बस मेरे हिस्से में या फिर पागल या गद्दार,
या अल्लाह मुझे सब्र दे। आपके लिए अहम खबर लाई हूं। क्या बात है गोक्चे? जरा मुझे भी तो पता चले। बाला और गुंचा खातून को कुछ बातें करते हुए सुना है मैंने। बाला खातून उम्मीद से हैं। उम्मीद से हैं? या अल्लाह ये कैसी आजमाइश है। मैं उमर कबीले की खातून थी, अपने बाबा का बाजू थी। मैं एक बहादुर आदमी की दूसरी बीवी बनना पसंद किया सिर्फ इसलिए कि उसकी पहली बीवी मां नहीं बन पा रही थी। मैंने सोचा कबाइल मुत्तहिद होंगे, सारे तुर्क कमान एक हो जाएंगे। अगर मेरी कोई औलाद हो तो वो उस्मान साहब से हो। अल्लाह या मेरे अल्लाह। मुझसे क्यों छिपाया बाला ने? या कहीं फिर मेरे बेटे, मेरी जान, मेरे बच्चे, अगर उसकी औलाद हो गई गातोस, मेरे दोस्त। कैसे हो तुम? अपने बारे में बताओ, हालत तो तुम्हारी ठीक नहीं लग रही। एक बर्बाद शुदा दिन,
यह भी तो हो सकता है कि दिन बर्बाद शुदा ना हो, तुम्हारे देखने में फर्क हो, क्योंकि जो दिन तुम्हें बर्बाद शुदा महसूस हो रहा हो यह भी तो हो सकता है कि वो दूसरों के लिए खुशियों का हो। इनागोल के तैकफूर आया निकोला, मेरा बेहतरीन दोस्त। ऐसा दिख रहा है जैसे कैसर आ रहा हो। आखिरकार मेरे दोस्तों, आखिरकार कोसेस, हमेशा एक चट्टान की तरह मजबूत और ताकतवर। रुगाथोस, तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। बहुत ज्यादा परेशान। आज का दिन इनके लिए बर्बाद शुदा दिन है। जानता हूं मैं। बैठिए। रुगाथोस का करीबी दोस्त और रिश्तेदार गिरिगोर शहनशाह की कैद से फरार हो गया है। और रुगाथोस के पास आते हुए किसी ने उसे अगवा कर लिया। क्या मैंने ठीक सुना? यह सब कुछ सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम बादशाह इंद्रोनिकस के गद्दार की हिमायत कर रहे हो। ठीक कह रहा हूं ना रुगाथोस? क्या तुम्हें खौफ नहीं होता? बताओ। पादरी गिरिगोर जरूर गद्दार हो सकता है, मगर यह जिंदगी है, कल को वो कामयाब भी हो सकता है। क्या बात है, कामयाब लोगों की हिमायत करने वाला मेरा प्यारा दोस्त रुगाथोस। वो लोग इस जमीन पर यीशु मसीह की तमसील हैं, उनकी हिफाजत करने वाले जन्नत में उनके पड़ोसी होंगे। रुगाथोस, तुम्हें सुनने वाला ये समझेगा कि तुम्हें मुकद्दस होना पसंद है। मगर ये बात भी जान लो कि मैं पादरी गिरिगोर का पता लगा कर रहूंगा और पता चलते ही मुट्ठी में बंद कर लूंगा। काश तुम जानते कि मुझे उस पादरी को अपनी मुट्ठी में करने की कितनी चाहत है मेरे प्यारे रुगाथोस। यही अफसोस है, वरना यीशु मसीह के पड़ोसी को अपने काबू में करने की सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती। बिल्कुल। तो गिरिगोर इस दस्तरखान पर मौजूद लोगों में से किसी के कब्जे में नहीं है, तो फिर किसके कब्जे में? मुझे सिर्फ एक शख्स पर शुबा है, काई सरदार उस्मान। जिसे तुम किसी भी जंग में शिकस्त नहीं दे पाए, काई कबीले का सरदार उस्मान, वही है ना? क्या कहते हो निकोला? अब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे बताएं? बादशाह के कब्जे से बचे तो काफिरों के हत्थे चढ़ गए हम। इतने खतरात का सामना ये दिन देखने के लिए किया था। तुम्हारा इस तरह से परेशान होना हमारी मदद नहीं करेगा। पुरसुकून रहो। तो बताएं मुझे, हाथों पर हाथ रखकर बैठे रहे? हम कहां कैद हैं ये पता चल जाए तो रास्ता भी मिल जाएगा। उस्मान को हमारे बारे में कैसे पता चला? उसे हमारे आने का इल्म कैसे हुआ? यहां कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। जुबान से दुआ और ताकत से कैद कर रहे हो, ऐसे शैतानी काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। कैद मुश्किल होती है, मैं जानता हूं,
कैद खानों की सख्तियां क्या होती हैं झेल चुका हूं ये भी जानता हूं, लेकिन पादरी साहब आप इसे कैद खाना मत कहिए, आप तो खास मेहमान हैं हमारे। यानी शैतान के दिल में वक्त गुजारना हमारे नसीब में लिखा था। मैं सोच रहा हूं कि शैतान को हमारे बारे में कैसे पता चला, कहीं तुम शैतान से तो नहीं मिले हुए? शैतान की गोद से तो उठकर आए हो तुम पादरी ग्रेगोर, इतने बड़े ओहदे का पादरी होते हुए भी कैद करने वाले उस बड़े शैतान के सामने अगर हिम्मत से खड़े हो जाते तो ये दिन तो ना देखना पड़ता। तो तुम सब जानते हो बाजंतीनी शहंशाह को पादरी की इमदाद हासिल होने के बाद ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक को मुत्तहिद करने के लिए आपको क्या अहकाम जारी किए गए मैं जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि इस बात को कबूल न करने वालों को किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और ये कि आपने कैद में क्या तकलीफें झेली। और वहां से जान बचाकर भागने के लिए आपने कैसी चालें चली मैं अच्छी तरह जानता हूं। दरअसल आप लोग वहां से लड़ते हुए फरार हुए, तुम जन्नत कमा चुके हो मेरे वफादार दोस्त, तुम होरों के साथ रहोगे इसका मुझे यकीन है। राज जाहिर हो गया जनाब, जाहिर हो गया। अगर राज फाश हो जाए तो हर चीज खुल के सामने आ जाती है। क्या चाहते हो तुम? अगर यही ख्वाहिश है तो फिर सुनो गौर से। उस्मान ने पादरी को अगवा किया इस बात पर कुछ यकीन नहीं आता मुझे, क्या कहते हो तुम? क्योंकि उस्मान को तुम करीब से जानते हो और उसकी ताकत का भी नजारा कर चुके हो जंगों में, तो कुछ तुम भी तो बताओ किस किस्म का इंसान है ये उस्मान? उस्मान को हमारे अंदरूनी मामलात का कहां से पता चलेगा कि वो कुस्तुन दुनिया के पादरी तक जा पहुंचे? अगर उस्मान अपने शिकार की अहमियत को जान ले तो वो उस शिकार के लिए कोई भी रूप धार सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है रोगतूस। अच्छा, अरमान काया के पहाड़ों पर हमारे बड़े दुश्मन डेरे डाल चुके हैं, एक चरवाहा इस हद तक जा सकता है मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जानता हूं मैं, वैसे भी इस जंग में तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया था कोसिस। मैंने इन जमीनों पर बाजंतीनी सल्तनत का परचम तन्हा बुलंद किया है। मगर तुमने हमेशा कैसर बनने के लिए जंग की है निकोला, लेकिन कामयाब नहीं हुए, इसलिए अब समझ जाओ कि यह जगह रोम नहीं बेतिनिया है। बहुत सी मोहब्बत, लाजवाब मशरूब, और हां तिजारत भी जरूरी है, क्यों रोगतुस? तुम समझ नहीं रहे, उस्मान ताकतवर हो रहा है, फैल रहा है हर जगह, कोई नहीं रोक पा रहा उसे, दिन ब दिन मजीद ताकतवर, और बहुत जल्द हमें निकलने वाला अजदहा बन जाएगा। अगर हम मुत्तहिद ना हुए तो बहुत जल्द हम सबका एक साथ खात्मा हो जाएगा। तो फिर
हमें आपस में इत्तेहाद कर लेना चाहिए। लेकिन उस्मान को इस इत्तेहाद के बारे में कुछ नहीं पता चले। हमारे दरमियान इख्तलाफात का ख्याल बाकी रहने दिया जाए। आखिर वो भी उस्मान है, हमें दूसरे शैतानों के जरिए एक दूसरे से लड़वा देगा। बाजंतीन के नाम, बाजंतीन के नाम, बाजंतीन के नाम। मेरी सोच बदल गई है निकोला। पादरी ग्रेगोर इस दस्तरखान पर बैठे किसी आदमी के पास नहीं है, बल्कि उस्मान के पास है। तुम्हारी बात ठीक है। कल मैं उससे मिलने जाऊंगा। वो तो कहेगा मेरे पास नहीं है। उसकी आंखें बता देंगी। जब ईसा के बेटों को पता चलेगा कि मैं तुम्हारे कब्जे में हूं तो वो इस जगह को बर्बाद कर देंगे। ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? शक्ल से तो अकलमंद लगते थे मुझे। ये गुस्सा करना छोड़ दो और ये मत भूलो कि लातीनी कुद्स जो तुम हासिल करने गए तो वहां अपने ही दीनी भाइयों का बेदर्दी से कत्ल किया, जुल्म किया, तबाही मचाई। मुझसे क्या चाहते हो? एतमाद करना पड़ेगा। किस पर? तुम पर? शैतान पर? एतमाद एक रात में जीतना मुमकिन नहीं, जानता हूं। हर चीज आपके सामने है, मेरी चाहत भी वाजे हो चुकी है। बहुत जल्द आप भी हकीकत से रोशनास हो जाएंगे। यीशु मसीह की जमीन पर आने तक तुम पर यकीन नहीं करूंगा, ये जान लो अच्छी तरह। मत सोचे इतना, सो जाए। नींद पूरी कर लीजिए, चलो बरा। तुम्हारी आंखें चमक उठेंगी, इन हाथों में तलवार होगी और दुश्मन पर तुम्हें देखकर लर्जा तारी हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना मेरे बेटे? ऐसा ही होगा, जरूर होगा। तुम्हारे दादा अर्दुल गाजी जानते हो तुम पे कितना फख्र करेंगे। मलहून सुल्तान, तैयारी हो गई? शिकार का भी कभी इतना इंतजार नहीं करना पड़ा। क्या बात है हुजूर, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है उसका। जनाब, कहो। सुन रहा हूं मलहून। औलाद की मोहब्बत कैसी है? जान की मानंद है, जान। सल्तनत की वजह तुम ही बनी हो, सलामत रहो। इंशाअल्लाह मजीद बहुत सी औलादें होंगी। तो चलो इंतजार खत्म करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आखिर उस्मान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारा चमन भी तो महक गया है ना। लाख लाख शुक्र है। तशरीफ रखिए। चलिए शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। बोरान। जी हुजूर। कोई गीत तो हमें सुनाओ जरा। चलो चलो शुरू करो। जरूर गाऊंगा हुजूर। माशाल्लाह बहादुर, माशाल्लाह जबरदस्त। हमेशा सलामत रहो। सलामत रहो, अल्लाह आबाद रखे। मेरे सरदार शुक्रिया। हम तमाम लोग आज यहां मेरे बेटे के 40 दिन के हो जाने की खुशी में जमा हुए हैं। मेरा नौमौलूद बेटा ओरहान और आप सबकी औलादें मुंतजिर हैं हमसे एक ही चीज की। वो क्या है? वो ये है कि उन्हें अपनी और इस्लाम की रिवायात से रोशनास करवाएं, जो कदीम जमाने से आज तक मौजूद हैं। आप सब जानते हैं कि हम पे मुसीबतें आ पड़ने की वजूहात क्या थी। सबसे पहले रिवायात से मुंह मोड़ना और इखलाक की पस्ती की वजह से। अगर हम ये भूल गए तो दुश्मन और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर ये हम भूल गए तो जंग के मैदान में शिकस्त से पहले
शिकस्त खाएंगे। याद रखें, ये जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। अल्लाह हम सबको सालेह बेटे और बेटियां नसीब फरमाए। आमीन। आमीन। कैसी हो तुम खूबसूरत आंखों वाली? क्या मेरा बेटा अपने होने का एहसास दिलाता है? कैसे ना दिलाएगा, अभी से वाज़े है कि वो आप पर ही जाएगा। बहुत जल्दी तंग करने लगा। वैसे आपकी ख्वाहिश क्या है? दुआ है कि अल्लाह बेटी अता करे मुझे। बेटी बाप की दोस्त होती है, बाबा की जान होती है। जानती हो, मैं उसके भी ऐसे ही बाल संवारना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं कि मेरे लिए खाने की मेज वो सजाए और तुम उसके सर पे शफकत का हाथ फेरो और वो हमारे कबीले की रौनक बन जाए। तलवार उठाकर घोड़े पर सवार होगी, जंग पर लेके जाइएगा अपने साथ। ये तो अल्लाह का हुक्म है, वैसे भी वो बाला खातून की बेटी होगी। बताओ मुझे, लोगों को खुशखबरी कब सुनाई जाए? आपकी इजाजत हो तो बाबा को बता दूं पहले, कल उनके साथ खानका का इफ्तिताह करना है। हाँ ठीक है, ठीक है। अरहान, अरहान, अरहान बेटा, अरहान, अरहान। मेरे भाई तुम? हाँ और हान मैं।
बेटे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। मेरा बेटा, और हान, बेटा अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया। गुज़िश्ता साल पे नजर डाली जाए तो हमने बहुत सी जंगें लड़ी हैं, लेकिन फिर भी दुश्मन ने हमें कमजोर समझा है। उस्मान हमारे बराबर नहीं है, उनका ऐसा कहना है, जबकि हमने उन्हें मुतअद्दिद दफा जंग के मैदान सजाकर उन्हें धूल चटाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। उस्मान साहब, पिछले साल की बरकत से तमाम तुर्कमान बड़ी तादाद में इन इलाकों की तरफ हिजरत कर रहे हैं। आप उनके लिए उम्मीद की किरण बन गए हैं। जी ऐसा ही है। बितिनिया के तमाम सरहदी पहाड़ तुर्क खेमों से सजे हुए हैं। वहां सब दोस्त और भाई हैं हमारे। हर एक दुआ देता है आपको जनाब। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन मैं फिक्रमंद हूं उस्मान साहब। हम तमाम तुर्कमानों के लिए उम्मीद की किरण है, क्या आप इसलिए फिक्रमंद हैं कुंदूज साहब? जानते हो क्या बोल रहे हो, ध्यान रखा करो, बेहतर होगा। जिरगे में बैठने का उसूल है, पहले तोलो फिर बोलो। कहते हैं आशिकों के गम समझ से बालातर होते हैं हुजूर, इसे माफ करते हैं। जी भाईजान, बात मुकम्मल कीजिए। मैं कहना चाहता हूं, तुर्कमान भाई आ रहे हैं, यकीनन वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन हिजरत के इस अमल को हमने अकल से मुनज्जम ना किया तो नुकसान उठाएंगे हम। हक बजाने भी हैं भाईजान, जो कुछ जानते हैं बताइए हमें। बहुत से बहादुर सरहद पर अपनी मर्जी के मुताबिक हरकत कर रहे हैं, हमसे छुपकर ताकतवर लोगों के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, हत्ता कि वो उनके पास भी जाते हैं। उस्मान साहब, दुश्मनों की चालें खत्म नहीं होती, कल को एक नया और मजबूत दुश्मन हमारे सामने ला खड़ा कर देंगे और हम लड़ने पर मजबूर होंगे, और फिर अपना ही खून बहेगा। मैंने कुछ और भी सुना है, तुर्गुत नामी एक सरदार हरमान काया के तैकफूरों के साथ लड़ाई में मसरूफ है, और उस जैसे और भी बहुत हैं। कहां रह गई? न जाने क्यों भाई ने मुझे अपने पास हरमान काया क्यों बुलाया है? तुम्हें ये अजीब नहीं लगता क्या? काफी वक्त से वो आपसे मिले नहीं, हो सकता है आपकी याद सता रही हो। नहीं कॉर्नेलिया, अगर उसे मेरी याद सताती खुद चलकर मेरे पास आ जाते। यकीनन कोई अहम बात होगी मोहतरमा।
आपके भाई आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं हर कोई जानता है, यहाँ तक के दुश्मन भी। कैसी बातें करती हो, क्या इसी वजह से तुम हमारे निकलने से फिक्रमंद हो? कौन है जो मिकाइल कोसिस की बहन का कुछ बिगाड़ेगा, जबकि मेरे काफी पहरेदार हैं। हम एक साथ उन पर हमला करेंगे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उन्हें दूर जाने नहीं देना, हत्ता कि अगर गाड़ी को चलाने वाला घोड़ा भागे तब भी। सही सलामत चाहिए। जैसे आपका हुकुम सरदार। इत्मीनान रखो थोड़ा, हरमान काया के तेगपुर मिखाइल कोसिस की आंखों का तारा, खुशामदीद मारी। ये मेरा हुक्म है, तमाम मुहाजरीन से मुलाकात की जाए और मेरी इजाजत के बगैर कोई भी घोड़े पर सवार नहीं होना चाहिए और कोई भी अपनी तलवार मेरी इजाजत के बगैर बाहर मत निकाले।
ये बात हर कोई ज़हन नशीन कर ले, अगर कोई मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है तो उसे अपने अंजाम से भी वाकिफ होना चाहिए। अल्लाह सलामत रहे उस्मान साहब। अल्लाह हिफ्ज़ो अमान में रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, हुजूर, बेलाजिक का तैकफुर रुगातूस लास्कर साहब से मिलने का ख्वाहिशमंद है। आला, आला। खैरियत तो है मेरे भाई? बिल्कुल भाईजान, खैरियत है। खुश आमदीद रोगतोस। शुक्रिया उस्मान साहब। तकफुर कोसिस, आपकी बहन को लाने वाले काफले पर जनाब हमला हो गया है, उन्हें किसी ने अगवा कर लिया। हमने कैद में लिया है, उन्हीं के सरदार ने यह हरकत की है। मेरी बहन के बदले अपने खास सिपाहियों का तकाजा करेगा, जानता हूं मैं। अब आप क्या करने वाले हैं? सोच चुका हूं मैं। मैं पूरी दुनिया उनके सरों पर पलट दूंगा। हम उन्हें सूली पर चढ़ाएंगे, उनके सीने चीर डालूंगा, उनकी खोपड़ियों से खेलूंगा मैं। लेकिन बहन को कैसे बाजियाब कराएंगे? जो चिड़िया को सिर्फ एक पत्थर मारता है वो अहमक कहलाता है नस्तूर। याद रखना हमेशा, वो कमजोर न समझे निकोला को। मैं उनके लिए ऐसी चाल तैयार करूंगा कि वो मेरी चाल को हल करते करते हर कदम पर मेरी गिरफ्त में आते जाएंगे। उस्मान सरदार के लिए तोहफा तैयार करवाओ, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। अब अपना तारुफ कराने का वक्त आ गया है। कैसा तोहफा? वही तोहफा जो तुर्कों को सबसे ज्यादा पसंद है। हाजिर जनाब। तकफुर लियो और आपके बाबा अर्तुरुल गाजी के दौर से चलती चली आ रही इस दोस्ती को मैं जारी रखना चाहता हूं। आला, अच्छा ख्याल है रोगातूस, हम यही चाहते हैं। और ये भी जानते हैं कि लियो की तरह आप भी लास्करस खानदान से तंग हैं। मतलब साफ वाजे है कि आपके हाकिम और शहनशाह से कोई अच्छे मुरासिम नहीं है। हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त हैं और मैं इस दोस्ती के लिए हमेशा पुरुमीद हूं।
मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। पादरी ग्रेगोर, जिन्हें अब मेरी हिफाजत में होना चाहिए था, बदकिस्मती से उन्हें किसी ने अगवा कर लिया। मैं उन्हीं की तलाश में हूं, उन्हें ढूंढ रहा हूं। पता नहीं किस मकसद के लिए उन्हें अगवा किया गया। क्या आपके पास इस हवाले से कोई मालूमात है उस्मान साहब? आखिर मेरा आपके पादरी से क्या लेना देना है हाकिम रोगतोस? यह सवाल मुझसे पूछने की वजह क्या है? जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा, करीबी कलेदारों और शहंशाह से मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। पादरी ग्रेगोर शहंशाह की कैद से भागकर आए हैं। वो पनाह लेने के लिए मेरी तरफ आ रहे थे, और पनाह लेने वाले हमारे लिए बहुत खास हैं उस्मान साहब। पनाह लेने वाले हमारे लिए भी बहुत अहम है। हैरत है पादरी को अपने ही लोगों में पनाह क्यों लेना पड़ी। अगर आपकी अंदरूनी सूरत हाल ऐसी है तो मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। क्या अपने हर फरार होने वाले आदमी के बारे में मुझसे आकर सवाल करेंगे? पादरी ग्रेगोर मेरे दोस्त हैं, उन्हें तलाश कर लूंगा उस्मान साहब। अगर वो खुद फरार हुआ है तब भी मुझे इल्जाम दोगे? ज्यादा दुश्मन तो है ही नहीं आपके। वैसे भी आपका नस्ब काफी बड़ा है दूसरे कबीलों से, शहंशाह भी जानता होगा। जरूर यही चीज आपको उनका दुश्मन और मेरा दोस्त बना सकती है। हम हाकिम लियो के दोस्त थे, दोस्ती का हाथ आपकी तरफ भी बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है उस्मान साहब, उम्मीद है। आप सलामत रहें। अब हमारी औताक में आकर वो पादरी का पूछ रहे हैं, ये कम नहीं था? पूछताछ भी कर रहे हैं। मैंने कहा था ये मामला बहुत गहरा है, बहुत गहरा। इजाजत चाहता हूं उस्मान साहब। जो हुआ सो हुआ भाईजान, और जो होना चाहिए था वही हुआ। मोहतात तरीके से पादरी की हिफाजत कीजिए। जैसा आपका हुक्म जनाब। तुम्हारे चेहरे पर फूल खिल रहे हैं, क्या कोई खबर जन्नत से आई है क्या मेरी बेटी? बाला, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दिन दिखाया मुझे और मेरी दुआएं कबूल कर ली। आप सही कहते थे, अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं बाबा। मैं वालदा बनूंगी इंशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाह अकबर। समी अल्लाह अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। السلام عليكم ورحمة الله। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने अपने सब्र को इंतजार से मुज़य्यन किया मेरे गुलाब। वो मेरा प्यारा रब जो दुआएं कबूल करता है उसी ने तुम्हारे नसीब में औलाद लिख दी। जब मुझे यकीन हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकेगा तो आपके अल्फाज ही मेरे दिल का दरमा बने या शेख मोहतरम। और आपको खुश देखकर मुझे और खुशी मिल रही है। रब करीम अपने प्यारे बंदों का इसी तरह इम्तिहान लेता है। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी जात पर अपने कबीले सरदार और तमाम आलम इस्लाम को फौकियत दी मेरी बाला। हमारी ये खुशी तुम्हारी जिंदगी का बड़ा इनाम है। तो हम कबीले में इस खुशी का ऐलान कब करेंगे? वो वक्त भी जल्द आएगा बेटी, मेरी जान इंतजार करो। इस हरकत की भारी कीमत अदा करोगे वैशी इंसान। क्या कहा वैशी?
जब तक ये वहशी अपने जंगजू वापस नहीं ले लेता, तुम यहां मेहमान हो। तैकफूर कोसेस, खुशामदीद। शुक्रिया सिपाही। मैं सरदार उस्मान से मिलना चाहता हूं। जी उन्हें आपकी आमद का इल्म है, आने दो। इजाजत है हुजूर। इजाजत है। खुश आमदीद मिकाइल कोसेस। खैरियत है सरदार? मैं आपके बेटे और हान के लिए कीमती नस्ल का घोड़ा लाया। आपके यहां कहा जाता है घोड़े तुर्कों के पर हैं। उम्मीद करता हूं आपको तोहफा पसंद आएगा और आपका बेटा इस घोड़े पर बैठकर खुशी महसूस करेगा। हाँ शुक्रिया शुक्रिया। आज लोग अतूस लास्करस आए थे, किसी पादरी ग्रेगोर का जिक्र कर रहे थे। लगता है आप भी उसी के लिए आए हैं। बैठ जाए। बिल्कुल भी नहीं, काश के इस सिलसिले में आया होता। रोगतुस और ना ही उस पादरी ग्रेगोर से मेरा कुछ लेना देना नहीं है उस्मान साहब। तो फिर मसला है क्या? मेरी बहन, जो काफला मेरी बहन मारी को लेकर आ रहा था उस पर हमला किया गया है और यह हमला किसी तुर्क सरदार ने किया है। तुर्गुत नाम है। आप तो उसे जानते ही होंगे। क्या आपके यहां खवातीन को अगवा करने की भी कोई रिवायत है उस्मान साहब? क्या आपके यहां ऐसा भी होता है कि गैर मुस्लिम खातून जो अपने घर जा रही हो उस पर हमला कर दिया जाए? क्या आपके यहां किसी गैर मुसल्ला के खिलाफ तलवार उठाने का कोई रिवाज है उस्मान साहब? जबान को लगाम दो।
जो बोलना सोच कर बोलना कोशिश। मैं सोच समझ कर ही बात कर रहा हूं। हमने आपको इस तमाम तुर्क इलाके का हाकिम समझा। हमारा ख्याल था कि इस इलाके की हुदूद में कोई भी तुर्क शहरी आपकी इजाजत के बगैर जुर्रत नहीं कर सकता कुछ भी करने की। या फिर मेरी सोच गलत थी? तुमने ठीक सोचा कोशिश। मैं भी सोच विचार से काम लेता हूं। मैं अपने दोस्त और दुश्मन का चुनाव खुद करता हूं। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं और इस वक्त मैं ये भी नहीं जानता कि उस हमले में वो जिंदा भी है या नहीं। उस्मान साहब, मुझे इस वक्त आपकी मदद की जरूरत है। मैं अगर अपनी बात को साफ साफ कहूं तो मेरे आने का सबब यही है। हर वो शख्स जो मेरे दरवाजे पर आता है और मुझसे अपनी बेचारगी और मजलूमियत का इजहार करता है, उसे बेजार और मददगार हरगिज नहीं छोड़ता मैं। खबर का इंतजार करना, मायूस नहीं करूंगा। लेकिन अगर तो कोई गलती तुम्हारी तरफ से हुई तो तीरों का रुख तुम्हारी तरफ ही होगा। खुदावंद गवाह है कि मुझे सिर्फ सही सलामत अपनी बहन वापस चाहिए। जैसा सुना था आपको वैसा पाया। खुशी हुई मिलकर। सिपाहियों, हुजूर, घोड़े तैयार करो। तुर्गुत की तरफ जाएंगे हम। उसके बाद यह पता लगवाएंगे कि कोशिश की बहन को अगवा करने वाला आखिर कौन हो सकता है। इस कार्रवाई का असल मकसद जानना है। जैसे आपका हुक्म। जो आपका हुक्म मेरे सरदार। इजाजत है खवातीन? आपको भूख लगी होगी, कुछ खा लीजिए आप। हमें जहर देना चाहते हो क्या? डरना मत। मैं तो नहीं, मगर कोई और आपको जहर देना चाहता है। शुक्रिया सुनना चाहते हो मुझसे? मैं तुम जैसे वैश्य का कभी शुक्रिया अदा नहीं करूंगी जिसकी ताकत एक औरत के सामने चलती है। देखे खातून, आपसे कोई मसला नहीं। आपके भाई कोसिस ने मेरे सिपाहियों को कैद कर रखा है। अगर आपका भाई मेरे सिपाहियों को सही सलामत लौटा देता है तो फिर आप यहां से जा सकती हैं। मेरा भाई कोसिस तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा।
देखते हैं फिर। तलवार को पकड़ता है, बाजू बाकी जिस्म को जोड़ता है। तुम मेरा दायां हाथ हो। इस खबर को लेकर तुम कभी नहीं जाओगे। कोसिस का जख्म गहरा है, हमें तकलीफ पहुंचा सकता है। बात सुनो, कोसिस तक पहुंचाओ। सरदार अर्दुरुल गाजी का जानशीन हूं उस्मान। मेरे सिपाहियों, आने दो उस्मान साहब को। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। जिसे तुमने अगवा किया, मारी, उसका भाई हरमान काया का तकफूर मेरे पास आया था। अपनी बहन का सवाल कर रहा था। उस्मान साहब, हम आपके नाम, शान, बहादुरी और ताकत से बखूबी वाकिफ हैं, मगर मैं अपने कबीले को बचाने के लिए वैसा ही कर रहा हूं जैसा आप करते हैं। मेरे सिपाही कोसिस के कब्जे में हैं। सिपाहियों के वापस आ जाने तक बारी को नहीं छोड़ूंगा, ना ही आपको उस्मान साहब और ना ही किसी और को। वाकई अगर तुम्हें मेरी बहादुरी का अंदाजा है तो जान लो कि मेरा हुक्म मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। तुर्कुत सिपाही, मारी को मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे सिपाही कुस्तुनतुनिया से मैं लेकर आऊंगा। फिक्र नहीं करो, इस तिजारत के दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। कोतान, मारी को लेकर आओ और उसकी मुलाजमा को भी। जैसे आपका हुक्म।
उस्मान साहब आपको आपके भाई कोसिस के पास ले जाएंगे, लेकिन उसे बता देना कि एक दिन उसे हिसाब जरूर देना होगा। तो फिर मैं उस दिन का शिद्दत से इंतजार करूंगी, समझे? आप जा सकती हैं। दुरुस्त फैसला किया। उस्मान साहब, उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे लोग कहते हैं। वादा निभाने वाले, फिक्र मत करना, चेहरे से अच्छे इंसान लगे तो मुझे, मेरे बारे में जो चाहे सोच लो, मर्जी है तुम्हारी। ये याद रखना कि मैं जो कहता हूं करके दिखाता हूं। उसे कबीले ले जा और तुर्गुत के सिपाहियों को उनके कबीले पहुंचा। हर कदम एहतियात से उठाना। ऐसा ही होगा सरदार। चलो अब इसका हिसाब करते हैं। ये शहादत की उंगली और अंगूठा, अब ये हाथ तलवार थामने के काबिल नहीं रह पाएंगे और ना ही कमान चला पाएंगे। आप पहले ही महफूज मुकाम पर हैं जनाब। मुझे इस बात का डर है कि मारी उनके पास है। जब वो अपने सिपाहियों का यह हाल देखेगा, जाहिर है सरदार उस्मान चाहेगा कि इन सिपाहियों को वापस ले जाए। वो कहेगा ये लो तुम्हारी बहन, और उसी वक्त मैं उसके सिपाही उसे वापस कर दूंगा। इस किस्म की पेशकश को आखिर हम क्यों रद्द करेंगे? हमें क्या करना है फिर उसके इन कटे पिटे सिपाहियों को रखकर? जनाब, सरदार उस्मान साहब का सिपाही बोरान आया है। आपकी बहन मारी भी उनके साथ है। उस्मान ने मेरी तवक्को से भी पहले अपना वादा निभाया। हाँ
हम अब क्या करेंगे बताइए मुझे, हम यहां और कब तक रहेंगे? हम यूं ही नहीं बैठे रहेंगे। रुका तो उसको खबर पहुंचाने का कोई रास्ता तलाश करना होगा, उसके बगैर हम नहीं निकल पाएंगे। एंड्रियास जरा देखना। जी जनाब। ठीक तो है, शुक्र है हम अभी तक जिंदा हैं। अमानत की हिफाजत करने के लिए जिंदा रहेंगे और उस्मान की कैद से आजाद भी होंगे। मारी भाई, तुम ठीक हो ना? आओ। मेरी बहन को यहां सही सलामत पहुंचाने के लिए शुक्रिया कहना सरदार को। आपके मुतालबे के तहत हम आपकी बहन को ले आए हैं, अब आप भी हमें तुर्कुत साहब के सिपाहियों को जल्द से जल्द वापस कर दें। आप मेरे पास मेरे लिए मेरी सबसे कीमती चीज वापस लेकर आए। नस्तुर, उन तुर्क सिपाहियों को छोड़ दो फौरन। इसका हिसाब लेते हैं। ठीक कहा तुमने। रुक जाओ भाइयों, पुरसकून हो जाओ। ऐसा क्यों किया इनके साथ आपने? इन हाथों से जितने तीर चले मेरे उतने ही सिपाही मारे गए, और मैंने अपने हर सिपाही के बदले इनकी सिर्फ दो उंगलियां तो काटी हैं। मेरे ख्याल में ये बुरा तो नहीं, तुम बताओ। तुम मेरी जगह होते तो क्या सजा देना चाहते हैं? बोलो सिपाही। उस्मान साहब को मेरा शुक्रिया कहना। चलिए मैं अब चलता हूं। मारी, मुझे माजी की दिन याद आ गए। अम्मा हाइमा और मैं कालीनों को बुनने के लिए बहुत मेहनत किया करते थे, तुम अंदाजा नहीं कर सकती।
एक तरफ गुर्बत और एक तरफ दुश्मन। तुर्कों के दुश्मन तो कभी खत्म नहीं होने वाले। देखो तो अल्लाह के करम से कितना बड़ा हो गया है हमारा कबीला, और इन आंखों को उस्मान का बेटा देखना नसीब हुआ। अल्लाह करे खुशियां देखो अपने बेटे की तुम, उसके नसीब में अपने आबा उजदाद की तरह काबिल बनना लिखा हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये तो बताओ औरहान कहाँ है, कैसा है? अल्लाह का शुक्र है अभी सुला कर आई हूँ उसे, बहुत शरारती है। अब वो तुम्हें सिखाएगा कि बच्चे की परवरिश कैसे करते हैं। मेरी बच्ची, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने हमारी नस्ल को परवान चढ़ाने के लिए एक बेटा अता किया। मेरी दुआ है तुम्हें मजीद औलादें हों इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अम्मी जान, एक बात है जिसका मुझे तजस्सुस हो रहा है। मुझे मालूम है कि आप एक बहुत तजुर्बेकार खातून हैं। जब मैं उम्मीद से थी तो मैं हमेशा सोचा करती थी कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजेगा या बेटी से। अरे बेटी, पहले की औरतें यही कहा करती थीं कि अगर माँ के सर में दर्द रहता हो तो बेटा होगा, और अगर तबीयत चिड़चिड़ी रहे तो समझो बेटी होगी। वो मेरे ख्याल से ठीक ही कहा करती थी। हाँ कहती तो थी, लेकिन कभी गलत भी हो जाता था। और ये भी कहा जाता था कि अगर तुम्हारा मीठा खाने का दिल करता है तो लड़का होगा, और खट्टी चीजें खाने का तो लड़की होगी। आसानी हो ख़वातीन। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया खातून। बाला बेटी, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अम्मा। खुश आमदीद बाला खातून, आप कहाँ से आ रही हैं इस वक्त? बहुत शुक्रिया मिलहुन खातून, अपने बाबा से मिलने गई थी। उम्मीद है वो खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। मैं आपके खैमे में गई थी, आपको वहाँ ना देख कर परेशान हो गई। खैरियत तो है? सरदार जंग में और ख़वातीन कबीले में रहती हैं। अब जब मैंने आप दोनों को इस तरह खुशी खुशी देख लिया है आपस में तो मुझे बहुत तसल्ली हो गई। मेरी प्यारी बेटियाँ, अल्लाह सलामत रखे। तमाम तुर्कों की उम्मीदें उस्मान से जुड़ी हैं, और उन उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए उसके अपने घर के अंदर खुशहाली होना ज़रूरी है। उस्मान तो दुनिया से जंग लड़ने में मसरूफ है, तो ऐसे में आप दोनों घर के अंदर अमन कायम रखें। अगर मेरी कही हुई बात तुम्हें बुरी ना लगे तो कुछ कहूं? अगर आप दोनों के माथे पर शिकन भी दिखी तो समझो कि बातें शुरू हो गई। अगर आपके मिजाज में जरा तब्दीली हो तो समझो पूरा कबीला देख रहा है। लिहाजा जरूरी है कि आपस में अच्छे ताल्लुकात बना के रखें। बहनों की तरह रहना है और अपनी राजदारी का ख्याल रखना है। ठीक है बेटी? अल्लाह आपसे राजी हो अम्मी जान। अल्लाह राजी हो। आपसे भी। चलो ठीक है, अब बाकी कबीले का भी तो हाल अहवाल पता चले। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आसानी करे ख्वाती। माँ बनने वाली हो क्या? क्या कैसे पता चला? तो ये वाकई सच है? किसने बताया है तुम्हें? मैंने ख्वाब देखा। तुम्हारे हाथों में एक छोटा सा बच्चा था। बताओ मुझे, क्या मेरा ये ख्वाब सच है? रब की तरफ से एक मौजजा। ये मौजजा है, रब ने आपकी दुआएं कबूल कर ली है। ये खैर का सबब होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।
लेकिन पहले मुझे पूरा यकीन होना था, इसलिए किसी को नहीं बताया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बाला खातून, इंशाल्लाह सब खैरियत से होगा। खैर ये बताओ, कुछ खाने का दिल चाह रहा है तुम्हारा? इस हालत में तो मेरा मीठा खाने का दिल करता था, तुम क्या खाना चाहोगी, मीठा या खट्टा? बहुत शुक्रिया मलहून खातून, मेरा कुछ खाने का दिल नहीं। मलहून खातून, ये हमारे दरमियान राज है, किसी को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। पहले मैं खुद यकीन करना चाहती हूँ, इसके बाद सबको खबर देंगे इंशाल्लाह। जानती हूँ बाला खातून, तुम फिक्र ना करो इसकी, ये बात राज रहेगी। तुर्कुत के सिपाहियों पर हमला हो रहा है, चलो। हर सूरत इनकी हिफाजत करनी होगी, हमें इन्हें बचाना होगा। मगर पहने बगैर इसकी शान और शौकत का अंदाजा नहीं होगा, मैं चाहता हूं कि तुम इसे पहनो, पहनो। मेरे साथ तुम हमेशा रहे हो और तुम तो जानते ही हो कि मुझे अच्छे लिबास का कितना शौक है। देखो तो जरा, बहुत खूब खूबसूरत है। अरे वाह, वो ऊपर की तरफ, वहां तुम्हें दिखाई दे रहा है? नहीं, उस तरफ, यहां से थोड़ा छोटा लग रहा है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा।
अगर मैं इज्जतदार खानदान से ना होता और बिथिनिया में एक कमानदार ना होता तो यकीनन मैं दर्जी बनता, मगर सब कुछ हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। देखो मेरे हाथों में कितनी ज्यादा नफासत है। आइंदा तुम्हें जो भी काम दिया जाए उसे तुम मुकम्मल किए बगैर वापस मत आना। थियोदोर, तुम्हारी नाकामी की वजह से हमें यह भी नहीं पता कि पादरी ग्रेगोर इस वक्त कहां है। माशाल्लाह मेरा बेटा, मुबारक हो आपको उस्मान साहब। खैरियत तो है मलहून खातून? बाला खातून मां बनने वाली हैं और हान का एक भाई आने वाला है। शुक्रिया, ये तो मौजज़ा है, शुक्र है अल्लाह का। रब ने मेरी बाला की दुआएं सुन ली। वैसे सब्र कभी रायगा नहीं जाता। यहां हो मेरे पास, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। आ जाओ। हमारे कबीले में आई और मुझे और हान जैसी खुशी दी। तुम मेरी जोजा हो, मेरी साथी हो, मेरे दिल में तुम्हारी भी हमेशा जगह रहेगी। कभी कभी इस बारे में उदास मत होना। मैं जानता हूं तुम्हारे यहां आने का बड़ा मकसद है। फिक्र मत करना, मेरा रब जरूर तुम है और रूहान को इस कुर्बानी का सिला देगा। आपका दिल बहुत ही नर्म है और आप बहुत साफ को भी हैं। आप मेरे दर्द का दरमा बन गए। उरहान बेटा, चलता हूं।
बोरान। हुजूर। जवाब दो मुझे, किसने किया ये बोलो। हम मारी को वहां छोड़कर निकले थे के, और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। किसकी इतनी हिम्मत, किसके? रोगातोस हुजूर, रोगातोस के लोग थे वो। कारायल को लेकर आओ गोक्तोर्क। जैसे आपका हुक्म। सिपाहियों, दुर्ग के सिपाहियों पर हमला हो रहा है, चलो। सिपाहियों को इनके कबीले दुर्गुद के पास ले जाओ। जनाजे की तैयारी करो और गद्दारों की कब्रें भी तैयार करो। जो आपका हुक्म। हुजूर, कराइल, चलो जल्दी भाइयों, चलो। राहेल, भाईजान, भाईजान, मेरे ही कबीले में मेरे काराइल को मार दिया गया। मेरा हम सफर मारा गया, मेरे पर काट दिए गए भाईजान। इससे तो साफ वाज़े हमें यह पैगाम दिया जा रहा है कि सुकून से हमें नहीं रहने दिया जाएगा। आज जो कबीले तक आ गया, कल उसे मेरे खेमे तक आने से आखिर कौन रोक सकेगा?
वो जो मेरे कारायल की जान ले सकता है, कल वो मेरे औरहान की भी जान ले सकता है। सिपाहियों की कोताही है, मुतय्यन कीजिए और लोग। पानी रुक सकता है लेकिन दुश्मन नहीं रुक सकता। आप तो सिपा सरार हैं, कहां सोए हुए थे? बुरान! मेरे हुजूर। क्या घोड़े तैयार हैं? तैयार हैं सरदार। वक्त जाया किए बगैर फौरन रवाना होंगे। सुबह होने से पहले तुर्गुत के कबीले पहुंचना होगा। शहीदों को इंतजार में रखना मुनासिब नहीं है। जो हुक्म आपका। आप कहीं नहीं जाएंगे कुंदूस भाईजान। जो होना था हो गया, इसके जिम्मेदार का पता लगाइए। आप बिलजक के तकफूर रोगदोस की तरफ जाइए और उसे मेरे कबीले आने की दावत दीजिए। उसकी आंखों में झांकेंगे कि मुजरिम वो है या फिर कोई और है। जो हुक्म आपका हुजूर। अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ कूतान। उस्मान साहब के यहां से कोई खैर खबर आई? बिल्कुल नहीं, नहीं आया कोई भी। आएंगे, आएंगे। ऐसा लगता है कि कहीं कुछ हो। सही सलामत आएंगे इंशाल्लाह कुतान। उस्मान साहब हमारे भाइयों को ले आएंगे, आएंगे, ले आएंगे। सबूत? बस सिर्फ एक सबूत। जिसने कारायल की जान ली उसका कोई निशान तो मिले। तुम्हारे पास खड़ी है। आयान चाउश, मेरा बहादुर सिपाही। बात करो उससे, बात करो मेरे बच्चे। हुजूर, जबान दी थी आपने, मेरे बाबा को वापस लाने का कहा था। उन्हें शहीद भी कर दिया और उनकी उंगलियां भी काट दी। वादा किया था आपने, अब कुछ बोले ना हुजूर। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? उंगलियां काटने वालों तो लानत हो, कितनी बेरहमी से मारा है, खुदा का कहर नाजिल हो तुम। उस्मान साहब, तमाम कबाइल को
अपने साथ लेकर चलने वाला सरदार। हमसे किया वादा पूरा नहीं किया, देख फुरों के जाल में फंस गया। दुर्गुण साहब, जबान संभाल कर बात करें। आप अर्तुरुल गाजी के फर्जंद उस्मान साहब से बात कर रहे हैं। मगर हमने वादा पूरा किया, कोशिश की बहन को सही सलामत हवाले किया। और मेरे सिपाहियों का क्या, मेरे जिगर गोशों का क्या, कैसे हुआ बताएं उस्मान साहब, किसने किया, किसने? इंतकाम की आग मालिक को भी जला डालती है। सरदार हो तुम इस कबीले के, अगर जलने लगे तो कबीला जल जाएगा। हम पहले ही जल रहे हैं उस्मान साहब, अब आग लगाने का वक्त है। आप उनके करीब मत जाइएगा, कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जो आपको नुकसान पहुंचाए। कोई गलत हरकत मत करना, हरगिज़ मत करना। भाइयों का खून रहेगा नहीं जाने देंगे हम, काट के रख देंगे उनको। बिल्कुल नहीं जाएगा, कोशिश के सर को धड़ से जुदा कर देंगे। वाज़े नहीं कि कोशिश शामिल है इसमें, खेल के अंदर खेल रचाया गया है। ये धुंध पहले छट जाए, फिर जो भी जिम्मेदार है वो हिसाब देगा इसका। तो फिर बताएं मुझे कौन है, कौन है उस्मान साहब? जो कहना था मैंने कह दिया। सिपाही शहीद हुए हैं बहुत से, जरा ये सोचो कि वो सब शहादत के मर्तबे तक जा पहुंचे हैं। सोग में रहिए फिलहाल, तदफीन का इंतजाम कीजिए। जब आप अपनी बात मुकम्मल कर चुके हैं मुझे मेरा बच्चा ला दो। तुम कहाँ चले गए हो? वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तो आप जा सकते हैं, बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा छीन लिया, उससे मेरा बच्चा छीन लिया। अल्लाह रहम मेरे पर, क्या यकीन नहीं आ रहा तुम चले गए हो। हम इंतजार करेंगे हुजूर। इस दावत की वजह क्या है गुंदू साहब? कमाल है, आप ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे आपको कुछ खबर ही नहीं। दुर्गुत साहब के सिपाहियों पर आपने हमला किया क्या? ये आप क्या फरमा रहे हैं गुंदू साहब? मैं सिर्फ यही नहीं किया है, एक काम और किया है। पहले तुरगुत साहब के सिपाही मारे गए और अब उस्मान साहब का घोड़ा मार दिया गया है। समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगा? ठीक है, मगर अपना जवाब मुझे मत बताएं, उस्मान साहब को बताइएगा। गुरूब आफ्ताब तक हम कबीले में आपका इंतजार करेंगे।
फौरन फौरन कोसिस के कबीले जा और बताओ कि हरमान काया से लौटते हुए हम पे हमला हुआ। देखते हैं उसके बाद उससे क्या मालूमात हासिल होती है। बिल्कुल ऐसा ही करता हूं। लेकिन जवाब अगर जबान से ना दे तो गौर से देखना, उसका चेहरा देखना, उसके तासुरात जवाब देंगे। आंखें खुली रखना। खुली रखूंगा। सुनो, अच्छा सिपाही बनना चाहते हो? जवाब दो। जी जनाब। बेहतरीन। तो मैं ये चाहूंगा कि तुम अपनी काबिलियत दिखाओ कि तुम किस काबिल हो। तो आओ हमला करो। सांप क्यों सूंघ गया? हाँ, हमले के लिए इजाजत का इंतजार कर रहे हो क्या? या तुम लोगों की खोपड़ियां जिसमें भूसा भरा हुआ है उनको तन से जुदा कर दूं मैं? अब क्या सोच रहे हो? हमला करो। मेरे इस वार को हमेशा याद रखोगे तुम। जंगजुओं के जो जख्म होते हैं वो एक अच्छे सिपाह सालार के लिए फखर की अलामत होते हैं। ले जाओ उठाकर इनको मेरी आंखों के सामने से, और इनके बेहतरीन जंगजू बनने की तरबियत को मुसलसल जारी रखा जाए, वो भी सख्ती के साथ, कोई लचक ना दिखाई जाए। मेरी बहन अभी आई हो क्या? आपको तलवारबाजी करते देख रही थी। क्या बात है मेरे भाई की। जानते हैं आप बादशाह बनने की हद तक ताकतवर हैं, मगर इसके बावजूद आपने तुर्गुत नामी एक छोटे आदमी के हाथों मुझे अगवा होने दिया। हाँ मुझे एहसास है, लेकिन छुड़ा भी तो लाया तुम्हें मेरी बहन, और मुझे खुशी है कि तुम मेरी निगाहों के सामने हो। हाँ सामने तो हूँ, मगर तुर्गुत को अभी तक सजा नहीं दी गई जिसका वो हकदार था। तुम फिकर मत करो, मैं उनसे तावान जरूर वसूल करूंगा। जनाब। हाँ मैं सुन रहा हूँ नेस्तोर। सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक चल रहा है। हमले के मुकाम पर हमारे बारे में कोई सुराग नहीं मिला। इससे बढ़कर हर कोई तुर्गुत के सिपाहियों को कातिल रोगतोस को समझ रहा है। चालें चलना तो कोई आपसे सीखे भाई। बेबस तुर्गुत अपने सिपाहियों की जान गंवाकर तावान दिया, और उन्हें लगता है कि रुगतूस है इन सब के पीछे। आपकी जहानत कभी कभार मेरी समझ से भी बाहर हो जाती है। हाँ मगर अभी एक बहुत बड़ी मुश्किल बाकी है। बादशाह ने पादरी की तलाश का काम मुझे सौंपा है, लेकिन अभी तक मैं कोई खोज नहीं लगा पाया। क्या लगता है कहाँ हो सकता है? रुगत उसके पास तो हो नहीं सकता। हाँ अलबत्ता मुझे ये यकीन है कि कैथोलिक ने उन्हें आग झपकने तक का मौका नहीं दिया होगा। और निकोला, कहीं उसके कब्जे में तो नहीं है वो पादरी? मैं ये जानता हूँ कि अगर निकोला के कब्जे में होता तो अभी तक बादशाह तक पहुँच चुका होता। सही कहा। निकोला शहंशाह की आंखों में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए इतनी देर इंतजार कभी नहीं करता। तो कौन बचा अब? कोई और आदमी है जहन में? रोगतुस और निकोला तो नहीं आ रहे। मेरे जहन में सिर्फ एक ही इंसान आ रहा है जो ये काम करवा सकता है, और वो है काई सरदार उस्मान। मगर पहले मैं अपना यकीन पुख्ता करना चाहता हूं, और वो कैसे करूंगा वो मैं जानता हूं।
शुक्रिया। आज खाने में काफी वक्त लग रहा है। तुर्गुत सरदार के सिपाहियों का खून बहाने वाले हमारे कबीले में आके सरदार के घोड़े का सर भी काट गए। हम किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। सामने से वार करने वाले से नहीं बल्कि खुफिया तौर पर वार करने वाले से डरो। मासूम जानवरों से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या दुश्मनी होगी आयशा खातून? हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं बस। उस्मान साहब, उन काफिरों को उनके किए की सजा जरूर देंगे इंशाल्लाह। ताई जान, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, फिक्र नहीं करो। उनको लगता है कि उस्मान वो परिंदा है कि जिसके पर काट दिए गए हों, लेकिन मेरा उस्मान फिर से आसमान की बुलंदियों पे परवास करेगा, देखना। फिर से ताकतवर होगा इंशाल्लाह। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप भी यहाँ आ गई हैं। और अब खवातीन, अपने काम पर जाने का वक्त आ चुका है। इस नीक के ताजिरों को काई कबीले के मशहूर कालीनों की जरूरत है। याद रखो, सख्त इम्तिहान है, हमें जल्द अज जल्द अपने काम को मुकम्मल करना होगा। इसकी निगरानी बाला खातून करेंगी। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि इस काम की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। कुछ कहो बाला। खवातीन, कल से कालीन बुनने की इब्तिदा करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुंजा, तुम्हें खवातीन का ख्याल रखना है। बिल्कुल फिक्र नहीं करो बाला। काई कबीले की माहिर खवातीन के हाथ सलामत रहे। हमारी मेहनत के सबब कालीन भी खूब मशहूर हो गए। सलामत रहे। बाला खातून, यकीन करें कि इज़ल कबीले की खवातीन भी बहुत माहिर हैं इस काम में। अब जबकि वक्त कम है और कालीन की फरमाइश ज्यादा है, तो फिर केजल खवातीन भी आपके काम में क्यों ना हाथ बटाएं? तेज काम करती हैं। शुक्रिया मलहून खातून, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं। काई खवातीन काफी है इसके लिए। क्या कहती हैं आप सब? बिल्कुल इंशाल्लाह। अम्मी जान, आप मुझे इजाजत दीजिए। इजाजत है मेरी बेटी। आयशा खातून, रोगातोस लास्करस, कोई खास हैरत नहीं हुई मुझे यह सुनकर। हमेशा खंजर घोपा उसने मेरी पीठ पर। खुद कत्ल करता है लोगों और सिपाहियों का और इल्जाम हमेशा मुझ पर डाल देता है। यह तो अच्छा हुआ कि तुम लोग सही सलामत बच निकले। हाँ, लेकिन मेरे पास आने की तुम्हारी क्या वजह है? मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। सरदार के हुक्म के मुताबिक यहां आया हूं। क्या आपके पास होने वाले उस हमले की कोई मालूमात है? काश कि मुझे पहले से मालूम हो जाता तो मैं खुद से आगे बढ़कर इस मामले को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता। सरदार उस्मान को मेरा पैगाम पहुंचाएं कि मुझे बहुत अफसोस है। पूरा का पूरा कैथलिक बागियों से भरा पड़ा है। अगर सरदार के औताक तक सही सलामत पहुंच गया हूं तो ये पैगाम भी पहुंचा दूंगा मैं। बोरान, तुम अकेले मत जाओ। बितिनिया शहर में खतरा हमेशा मंडलाता रहता है। नेस्तोर, बोरान को छोड़ के आने के लिए सिपाहियों को एक छोटा जत्था तैयार करो। ठीक है जनाब।
मेरे जाबाज सिपाहियों, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि तुर्गुत सरदार अपने भाइयों का इंतकाम ना ले और उनका खून रायगा जाने दे। उस्मान साहब, काई कबीले के सरदार, लगता है सियासत के माहिर हो गए हैं। उनको उनके रास्ते पर चलने दें, हमारा रास्ता भी वाजे है। हमारे भाई काफिरों के गंदे मंसूबों के भेंट चढ़ गए। इतने गंदे मंसूबे के असल मुजरिम का पता तक नहीं चल पाया। अगर मुजरिम कोई एक शख्स नहीं है तो शहीदों के होते हुए हर शख्स मुजरिम है। सिपाहियों, भाइयों का खून खुश्क होने से पहले इंतकाम ले लेंगे। अपने सामने आने वाले हर काफिर पर टूट पड़ेंगे उन पर पागल भेड़ियों की तरह और जमीन पर पटक के रख देंगे। अब हमारा शोक आज सूरज गुरूब होने तक रहेगा ताकि कल का सूरज हमारे शहीदों के इंतकाम के लिए रोशन हो। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।